अस्सलाम वालेकुम। हमने असल में जो लास्ट टाइम स्टार्टिंग ली थी वो ली थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा उसमें दो सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, और उन सॉल्वेंट्स में सॉल्यूट की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने कर ली अच्छे तरीके से। सॉल्वेंट जो हमारे पास थे वो दोनों किस्म के थे, मतलब एक्वस भी थे और ऑर्गेनिक भी थे। एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर आपस में नहीं मिलते, लेकिन सॉल्यूट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी प्रॉपर्टी की बिना पर हमने वो जो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो हमने सेपरेट कर लिया थ्रू द सेपरेटिंग फनल। तो ये बेसिक सेंस था। और बाकी इसके अलावा हमने परसेंटेज एक्सट्रैक्शन भी पढ़ी, और कुछ हद तक मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हल्का फुल्का तस्करा किया, और वो हमारे मतलब एतबार से काफी है अगर वो भी आपको याद हो जाए। तो आज जो हमारे पास नेक्स्ट इसी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के हिसाब से जो एक नया टॉपिक है, या कह लीजिए इसका सेक्शन है, वो सॉलिड एक्सट्रैक्शन के एतबार से, यानी सॉलिड फेज में आप एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं जो हमारे बुक है उसमें क्या कुछ आता है। बेटा देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बारे में चंद एक मालूमात शुरू में दी गई है, और फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है। जो सेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो तरीकाकार है यानी जो प्रोसीजर है और जो हमारे पास अपरेटस है वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो देखें इसमें वो क्या कहता है। हमारे कहता ये है कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शंस आर वेरी यूजफुल, यानी जो हमने अब तक किया, बट हैव सर्टन लिमिटेशंस। तो ये आपके पास एक सिंपल सी सेंस है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूट को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ दो लिक्विड्स के आपस के इंटरेक्शन से, या दो जो हमने पढ़ा एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज के इंटरेक्शन से, तो वहां पे कुछ कमियां भी होती हैं। तो लिखता ये है, द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स आर लिमिटेड, यानी आप हर चीज वहां पर अलग नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लिमिटेशंस हैं, उनका आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो आगे लिखता ही है, टू दोस दैट आर वाटर इमिसिबल फॉर एक्वस सॉल्व सैंपल। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स आर लिमिटेड टू दोस दैट आर वाटर इमिसिबल फॉर द एक्वस सैंपल। इमिसिबल का मतलब है जो इनसॉल्युबल है। जैसे कि देखो, अब तक हम बात कर रहे थे कि हमारे पास दो सॉल्वेंट होंगे, उसमें एक एक्वस होगा, और एक्वस सॉल्वेंट में भी सॉल्यूट की हलबजीरी होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास ऐसी चीज एक्सट्रैक्ट करने को आ जाए जो क्या हो, वाटर इमिसिबल हो, तो इसका मतलब है हमारी एक लेयर यानी एक्वस लेयर तो फेल हो जाएगी। तो इस तरह से हम दो वो काम नहीं कर पाएंगे लेयर लेकर जो हम पहले कर रहे थे। तो ये एक लिमिटेशन है। फिर आगे लिखता है, जैसे लिमिटेशन में एक बात करता है इमल्जन्स। इमल्जन्स का मतलब ये होता है, जैसे आप खुद भी ऐसा कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक ऑयल है, थोड़ा पानी डालो उसके अंदर और उसे अच्छी तरह से हाथ से दो तीन कतरे ऑयल ले लो, दो तीन कतरे पानी ले लो और उसे अच्छी तरह से हिलाओ। तो आपको कुछ देर के बाद ऐसा लगेगा जैसे वाइट कलर का थोड़ा फोमी सा पार्ट बन गया है, यानी थोड़ा सा झाग नुमा, तो वो जो आपके पास है दैट इज इमल्जन, ठीक है। ये फिलहाल मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, लेकिन इमल्जन जब बन जाते हैं तो फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यही वो कहता है, इमल्जन्स टेंड टू फॉर्म, बन सकते हैं या बन जाते हैं व्हेन द सॉल्वेंट्स आर शेकन। क्योंकि आपको ये बात सिखाई गई है कि जब भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्यूट को अच्छी तरह से शेक करते हैं। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट में भी शेक होता है और सॉल्यूट भी दोनों सॉल्वेंट्स में शेक होता है, हिलता है, जुलता है, अच्छी तरह मिक्स होने की कोशिश करता है। तो वो कहते हैं अगर ऐसा किया जाए तो कभी कभार इमल्जन्स बन जाते हैं। तो फिर एन रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट्स आर यूज्ड दैट जनरेट अ सब्सटेंशियल वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि इस तरह से आपको ज्यादा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, सब्सटेंशियल वेस्ट। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसकी वाकई अहमियत हो, जिसे गिना जाए, जो नेग्लिजिबल ना हो। तो अच्छा खासा मतलब वेस्ट हो सकता है, डिस्पोज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स का।
तो आप देख रहे हो आपको पहले नंबर पे वो बता रहा है कि सॉल्वेंट फेज एक्सट्रैक्शन हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें चंद प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम वो टेक्निक जो पहले अप्लाई कर रहे थे वो कम्प्लीटली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे चलता है, अगली बात वो लिखता है द ऑपरेशन आर ऑफन मैन्युअली परफॉर्म यानी खुद करने पड़ते हैं, मे रिक्वायर अ बैक एक्सट्रैक्शन। बैक एक्सट्रैक्शन भी एक मुकम्मल प्रोसीजर है, लेकिन आप उसमें ये समझ लीजिए कि आपको बार बार कुछ एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो मैनी सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इन यस्टरडे, पुराना और ईयर साल, यानी पुराने सालों की बात कह रहा है, तो पुराने सालों की बात, आर प्रेजेंटली कंसीडर्ड हैजर्डस, यानी वो टेक्निक्स जिसमें हम ज्यादा सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते थे, एमल्शन भी बनते थे, जाया भी हो जाता था, ये पुराने वक्त की बात है, उस वक्त हम ये करते थे, लेकिन अब हमारे पास जदीद टेक्निक आ गई है, अब वो जो पुराने तरीके हैं अब प्रेजेंटली कंसीडर्ड हैजर्डस, नुकसानदेह तस्वर किए जाते हैं, तो आप ये समझ लें कि नुकसान हो सकता है, अब वो टेक्निक नहीं लगाएंगे जो टेक्निक हम पहले लगाते थे कुछ सॉल्वेंट्स या कुछ सिस्टम्स के लिए, तो फिर हमें एक नया तरीका कार ईजाद करना होगा या तख्लीक करना होगा जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट फेज एक्सट्रैक्शन। तो लिखता है मेनी ऑफ दीज डिफिकल्टीज आर अवॉइडेड, यानी अब आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेनी ऑफ दीज डिफिकल्टीज आर अवॉइडेड बाय द यूज ऑफ सॉलिड एक्सट्रैक्शन। ये देखो लिखा है एसपीई, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, अक्सर औकात बुक के अंदर भी यही एसपीई लिखा हुआ आ जाता है, तो आपने एहतियात बरतनी है कि एसपीई से क्या मुराद है, ठीक है। Which has become widely used technique for sample cleanup. अब वो पुरानी वाली बात दोबारा से आती है, जो हम कर रहे थे, मतलब हमसे मुराद ये कि जो हम ये तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसका बेसिक जो मकसद है वो यही है, क्लीनअप एंड कंसंट्रेशन, यानी आपने कोई काम करना है, आपने क्या काम करना है जी, हमने काम करना है मिसाल के तौर पर क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करना है हमें, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफिक या क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस से आपने या के दौरान आपने क्या करना है, कोई सॉल्यूट इस्तेमाल करना है, कोई सब्सटेंस यूज करना है, उस सब्सटेंस को इस टेक्निक में ले जाने से पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन करने के लिए आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वो कहता है ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। In this technique, a particular type of the organic function. अब यहाँ पर आपको टेक्निक समझाई जा रही है, ये टेक्निक आपने अच्छी तरीके से अपने जहन में रखनी है, मैं फिलहाल इसको हाईलाइट भी करता जाता हूं। तो यहां पे लिखता है In this technique, a particular, एक खास type of the organic functional group is chemically bonded to a solid surface. जो मैं आपको यहाँ बात समझाने लगा हूँ वो सॉलिड सरफेस की ही है, ये आगे जाकर बहरहाल काफी हद तक एहतियात के साथ आ जाएगी, वहां पर आपको समझ में आएगी, मैं फिलहाल इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। मैं दोबारा इस लाइन को दोहरा रहा हूँ, अपने ध्यान में रखें, इससे पहले देखें हमने जो पढ़ा है ना अब तक वो ये पढ़ा है कि क्यों जरूरत पेश आई सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन की, क्यों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन काफी नहीं थी, तो हमने कहा प्रॉब्लम थे उस, वो लिमिटेशन भी कहलाए, उस वो प्रॉब्लम थे क्या, थोड़ा सा उनके बारे में किताब ने बताया, और अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक नई टेक्निक है जिसका नाम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है, और जो अब हम पढ़ने लगे हैं बिल्कुल अभी जो लाइन मैंने पढ़ी है, दैट इज अबाउट द प्रोसीजर, के व्हाट इज द प्रोसीजर यू हैव टू अडॉप्ट टू डू सॉल्वेंट फेज एक्सट्रैक्शन या सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे थ्रू दिस टेक्निक। तो ये आपकी पहली लाइन थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, और मैं दोहरा देता हूँ बेटा। इन दिस टेक्निक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप इज केमिकली बॉन्डेड टू द सॉलिड सर्फेस। अब आपको जो सॉलिड फेज नजर आ रहा है इसका मतलब है कि जो टेक्निक हम लड़ाएंगे इसमें कोई चीज सॉलिड होगी, वो सॉलिड आमतौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं, सिलिका बेस्ड हो सकते हैं जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, मैं आगे रखकर थोड़ा सा उसके बारे में समझाऊंगा तो आ जाएगी बात, आपको पता चल जाएगी, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि सॉलिड फेज होगा या सॉलिड कोई सब्सटेंस होगा, उसके साथ आप जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे जुड़ेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के जरिए,
ठीक है, फिलहाल अभी बात अधूरी समझ में आ रही है, लेकिन अभी हम आगे रखे कुछ डायग्राम्स को देखेंगे तो वहां समझ में आ जाएगी। अब वो लिखता है फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाउडर्ड सिलिका, जैसे मैंने अभी मिसाल दी है, वो जो सॉलिड चीज होगी वो क्या होगी, पाउडर्ड सिलिका होगी। अ कॉमन एग्जाम्पल इज द बॉन्डिंग ऑफ C18 चेन, बेटा C18 से मुराद एक लंबी चेन होगी, वो भी दिखाई जाएगी अभी, जिसमें कार्बन की तादाद 18 होगी। तो आपने ये वाली बात याद रखनी है कि C18 18 कार्बन वाली एक चेन होगी सिलिका की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज बॉन्डिंग या बॉन्डिंग ऑफ द C18 चेन ऑन सिलिका, सिलिका सॉलिड सरफेस है, C18 ये वो चेन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है, या वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दिमाग में रखिएगा, वो हमारा समझ लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है, और वो सिलिका से जुड़ गया है। अब दो बातें हो गई, पहले हमारे पास सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था एज अ सॉल्वेंट, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये पहले अटैच किया जाएगा एक सॉलिड सरफेस के साथ, ये है जी तब्दीली जो पहले नहीं थी और अब आ रही है। अगर लिखता है विद द पार्टिकल साइज ऑन द ऑर्डर ऑफ 50 माइक्रोमीटर, ये आपने देख लेना है बेटा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, पार्टिकल साइज के एतबार से जी। आगे लिखता है द बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स क्रिएट्स अ वर्चुअल लिक्विड फेज। अब देखो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो हमने नहीं डाला डायरेक्टली, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस तरह इस्तेमाल किया है कि वो एक नए तरीके से बॉन्डेड होकर आ रहा है, तो इसका मतलब है वर्चुअली हम एक ऑर्गेनिक लिक्विड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद सिलिका का इस्तेमाल करना नहीं है, मकसद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना ही है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को तैयार किया गया है पहले खास तरीके से। फिर लिखता ही है इन टू विच हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक एनालाइट इन एन एक्वस सैंपल कैन पार्टीशन एंड बी एक्सट्रैक्टेड, ये है जी वो वजह जिसके खातर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं दोबारा से इसको एक दफा बेटा आपके सामने लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए मैं लिख रहा हूँ द बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, वो देखो सी अगर 18 लिखा गया इसका मतलब सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो कहते हैं द बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन क्रिएट्स अ वर्चुअल लिक्विड, एक खास किस्म का लिक्विड पैदा हो जाएगा, इनटू विच हाइड्रोफोबिक का मतलब है वो हिस्से जो पानी में जज्ब नहीं होते या पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ऑर्गेनिक एनालाइट, अब जो आपने सॉल्यूट लेना है यहां पर वो ऑर्गेनिक होगा, इन एन एक्वस सैंपल लेना एक्वस सैंपल में है, कैन पार्टीशन एंड बी एक्सट्रैक्टेड। मैं इसको दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देता हूं, वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूट होगा जो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, एक बात, और वो ऑर्गेनिक एक्वस लेयर में मुकम्मल तौर पे हल नहीं होगा, हाँ कुछ हिस्से उसके हल हो सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े बड़े भी होते हैं जिनमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक वो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और एक वो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जो बेटा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोफिलिक पार्ट वो पार्ट है जो पानी के साथ हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, या वो क्या कहते हैं उसके साथ कुछ इंटरेक्शन कर सके, कोई वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस बना सके, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वो हिस्सा जो पानी के साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकता है वो हाइड्रोफिलिक है, और वो हिस्सा जो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता वो हाइड्रोफोबिक है। तो आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है। तो अब वो कहता है जो हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक एनालाइट है इन एन एक्वस सैंपल, उसको आप अलहदा कर सकते हो पानी से, भाई किसके जरिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए से जो आपने सिलिका के साथ जोड़ के रखा है। अब आपको इतनी सी बात समझ आई जो आपने दिमाग में रखनी है कि भाई एक सॉल्यूट है वो ऑर्गेनिक है, दो हमारे पास लेयर तो मौजूद नहीं है लेकिन पानी भी कुछ हद तक मौजूद है, और वर्चुअली हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर भी मौजूद है लेकिन ऑर्गेनिक लेयर सॉलिड के अंदर मौजूद है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मौजूद है, ये कैसे है वो मैं आगे जाकर बता दूंगा आपको। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा एनालाइट, एक ऐसा सॉल्यूट जो ऑर्गेनिक है और उसका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, तो आप उसको ऑर्गेनिक लेयर या सिलिका के अंदर जुड़े हुए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अलग कर सकते हो। ये बहरहाल आगे जाके मुझे कुछ क्लियर होने की बात।
लिखता है देर आर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस कमर्शियली अवेलेबल इन डिफरेंट पोलैरिटीज. देखो भाई, वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना हमारे एनालाइट का, वो असल में ऑर्गेनिक लेयर से जाके जुड़ेगा. कितना मजबूत जुड़ेगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपस की पोलैरिटीज की वजह से. तो पोलैरिटीज बहुत ही अहम होंगी. यानी आपको डिफरेंट काइंड के जो कमर्शियली कहते हैं बिकने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं आगे देख के कुछ ना कुछ है जब हम प्रोसीजर के यानी जिक्र करेंगे अपरेटस का, वहां पर जिक्र इसको मजीद क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह. द सेम सॉलिड फेज यूज्ड इन द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. बेटा ये ना लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की थोड़ी सी एडवांस टाइप है, ये हम एमफिल में पढ़ते थे, तो ये एचपीएलसी कहलाती है. आप मुख्तलिफ जगहों में पढ़ेंगे आज के जदीद टेक्निक्स जो इस्तेमाल हो रही है क्रोमेटोग्राफी की, उसमें एचपीएलसी शामिल है और ज्यादातर यही हो रही है जो मतलब आप जहां पर ये मतलब इस्तेमाल होती है क्रोमेटोग्राफी, तो या इस्तेमाल हो सकती है तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पर जाता है. देखते हैं आर यूज्ड फॉर सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन एक्सेप्ट इन अ लार्ज पार्टिकल साइज. अगर पार्टिकल साइज काफी बड़ा होगा फिर तो आप एचपीएलसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना यूज फॉर और वरना फिर आप बटक करेंगे. बहरहाल ये छोटी सी बातें खुद भी त्याग कर सकते हैं. आगे चलते हैं अगली बात की तरफ. अब आपने करना क्या है, अब आपने बताना है जी कि a powdered phase is generally placed in the small cartridge. एक small cartridge. आप थोड़ा सा procedure start हो रहा है यहाँ पर, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. अब आप ऐसे समझ लें कि जो आपके पास ये साथ ही एक diagram ऐसे बनी हुई है, अभी फिलहाल हमें clearly वो नजर नहीं आ रही completely, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ. देखें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्ट्रिज क्या है, जो कार्ट्रिज हमारे पास है ये आपके पास क्या है, इसके बारे में बहस करते हैं. देखें भाई ये है जी वो कार्ट्रिज, मैं आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं. पहले इसको देख लें जो डायग्राम आपके पास है. ये देखें ये आपके पास जो इतना हिस्सा दिखाया गया है, इतना हिस्सा ये सारा आपके पास कार्ट्रिज है, ठीक है जी. अब इस कार्ट्रिज में आपने क्या रखना है, एक सॉलिड सब्सटेंस रखना है जो कि आपका वही सॉलिड फेज के लिए काम आएगा. देखो बेटा ये जो हिस्सा है थोड़ा सा अगर आपको हाईलाइट करके मिल जाए, मैं इसको थोड़ा येलो कलर दे रहा हूं. ये देखें जो आपके पास ये सब्सटेंस है, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक सॉलिड है. जैसे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है सॉलिड फेज. ठीक है जी, ये वो चीज है जो पहले नहीं थी. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर डालना है ऑर्गेनिक. थोड़ा सा सिंपल प्रोसीजर समझ लीजिए फिर हम आगे चलते हैं ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए. देखें अब बिल्कुल यहां क्लियर करते हैं मामले को. आपने यहां पर सॉलिड भी डाल दिया, ये जी सॉलिड आ गया आपके पास. अब वो कहता है कि इसके अंदर आपने डालना है ऑर्गेनिक, वो जो कमर्शियली आपको मिल जाता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसकी डिफरेंट पोलैरिटी होती है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जी. सबसे पहले देखें ये जो आपके पास सॉलिड फेज है ना, ये इनएक्टिव है, इसको कुछ नहीं पता कि इसने क्या करना है. आप ये दिमाग में रखें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप इसमें पहले डालोगे. बेटा ये जो आपके पास ऊपर वाला एक हिस्सा नजर आ रहा है जिसको आप सिरिंज बोलते हो, ठीक है, इसमें प्लंजर होता है, ये इसको आप रिमूव समझो, समझो ये नहीं है अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ कार्ट्रिज मौजूद है जो मैंने आपको सिखाया है कि कार्ट्रिज यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक है. अब इस कार्ट्रिज में सॉलिड डाला, फिर आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला. जब आपने इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ठीक है, प्रोसीजर थोड़ा लंबा भी किया जा सकता है, एक्टिवेटर्स के लिए अलग काम लिया जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल रहा हूं. तो जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप डाल दोगे, फिर
ऊपर आपने ये सिरिंज लगानी है, ये जो आपके पास सिरिंज लगी इसे लगाना है, और यहां से आपने जैसे अंगूठे से हम किसी सिरिंज को प्रेस करते हैं इंजेक्शन लगाते हुए, तो प्रेस करना है। प्रेस करने से अच्छा प्रेस करते हो, इसमें कई तरीके कार हैं। इसमें ऐसा है कि आप यहाँ पर सिंपल कोई वाटर लिक्विड ले लें जो वॉश करने के काबिल हो, जो अंदर के सब्सटेंसेस यानी कार्ट्रिज के सब्सटेंसेस से रिएक्ट ना करें, ठीक है। या आप यहाँ सिर्फ डायरेक्टली हवा ले सकते हो, यानी सिर्फ कुछ नहीं वैक्यूम, आप ऊपर से दबाओ सिरिंज को, जैसे आप सिरिंज को ऐसे दबाओगे ना बेटा, तो वो जो हवा है वो अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था उसको यहां से ड्रॉप वाइज निकाल देगा। अब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ऑर्गेनिक लेयर डाली गई थी, ऑर्गेनिक लेयर डालने के बाद आपने सिरिंज के जरिए से उस ऑर्गेनिक लेयर को सिलिका में से गुजारा, वो जितनी सिलिका में अब्सॉर्ब हो सकती थी वो अब्सॉर्ब हो गई, और अब्सॉर्ब होने के बाद क्या हो गई, नीचे निकल गई जो बाकी इजाफी थी। अब क्या हुआ है, अब सिलिका एक्टिवेट हो गया है, यानी सॉलिड, अब वो अकेला सॉलिड नहीं रहा बल्कि उसमें ऑर्गेनिक लेयर आ गई है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। एक अलग लेयर तो नहीं बनी, मतलब ऑर्गेनिक लेयर आ गई, सॉरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि जुड़ गए हैं किसके साथ, सिलिका के साथ। तो अब आपने एक बात कर ली, अब आपने अगली बात क्या करनी है, अगली बात आपने ये करनी है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया, फिर उसके बाद आपने दोबारा यही टेक्निक लगानी है कि इसके अंदर जो आपका इल्यूट है, इल्यूएंट है या कह लीजिए, या आप कह लीजिए सैंपल है, या आप कह रहे हैं आपके पास एनालाइट है, वो आपने इसके अंदर डालना है और ये पानी समेत होगा, ठीक है। अब आपने दोबारा से ऊपर से सिरिंज लगाकर ये निकल जाती है और बेटा वापस लग जाती है। ये अडॉप्टर है, अडॉप्टर का मतलब है जैसे आप अपना लैपटॉप का अडॉप्टर लेते हो या आपका मोबाइल फोन को चार्ज करने वाला चार्जर है उसको भी आप अडॉप्टर कह सकते हो, तो वो अडॉप्टर है जोड़ने वाला। तो ये जुड़ जाता है सिरिंज एक किसके साथ, कार्ट्रिज के साथ। फिर आप सिरिंज को चलाओगे और चलाओगे तो फिर दोबारा से क्या होगा, वो जो क्या कहते हैं आपने अपना इल्यूएंट डाला है वो इसके अंदर से गुजरेगा। अब इल्यूएंट जब गुजरेगा ना, तो फिर अब एक मामला होगा, वो क्या कि इल्यूएंट में दो चीजें शामिल हैं, इल्यूएंट में दो चीजें शामिल है, मैं थोड़ी सी यहां पे वजाहत दे देता हूं आपको। इल्यूएंट में दो चीजें शामिल है, एक तो वो चीज शामिल है जो आपका एनालाइट है, जो प्योर सब्सटेंस है जिसको आप अलहदा करना चाहते हो, नंबर वन। और नंबर टू इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी। अब क्या होगा, जब आप इस इल्यूएंट को या सैंपल को अंदर से गुजारोगे, ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहां पर एक एरो दिखाता हूं कि ये आप इसके अंदर से गुजार के जा रहे हैं, जब ये यहां तक पहुंचेगा तो एक चीज बाहर निकलेगी, भाई वो क्या चीज बाहर निकलेगी, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। आप कहोगे सर ये इम्प्योरिटी तो निकल जाएगी और जो हमारा एनालाइट है यानी ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये क्यों नहीं निकला, भाई ये क्यों नहीं निकला, इम्प्योरिटी क्यों निकल गई है। तो इसकी वजह ये है कि जो आपके पास एनालाइट है वो क्या कहते हैं इंटरैक्ट कर गया है, जुड़ गया है किसके साथ, ऑर्गेनिक लेयर के साथ, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी है, बेटा एक मिनट ठहरेंगे जरा, शोर शराबा हो गया घर में लगता है। हाँ जी, तो एनालाइट जो है आपके पास वो क्या है, वो आपका जुड़ गया है किसके साथ, सॉलिड के साथ। मैं यहां पर थोड़ी सी एक और लाइन से इसको शो करने की कोशिश करता हूं, ये देखें सॉलिड की जो इंटरेक्शन है वो एनालाइट के साथ है। अब आपका एनालाइट तो सॉलिड फेस से जुड़ गया है, लेकिन इंप्योरिटी कहां पर चली गई है, इंप्योरिटी चली गई है जी नीचे। अब आपको बात समझ में आई है कुछ, वो क्या, इम्प्योरिटी में वाटर भी हो सकता है, इजाफी चीजें भी हो सकती है, मैं दोबारा जिक्र करता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा यहाँ पे क्लियर करते हैं, देखें किस तरह से। देखें बेटा आपने करना कुछ ऐसा है कि ये एक आपके पास है कार्ट्रिज, कार्ट्रिज में आपने डाला है सॉलिड, ऊपर से आप डाल रहे हो एक एक्टिवेटर जो आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है। जब आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऊपर से डाला तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब गुजरा सिलिका के पोर्शन से तो वो उस सॉलिड के साथ क्या हो गया, अटैच।
अटैच, अंदर हो गया अटैच, यानी कि सॉलिड भी आ गया और उसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आ गया। एक मिनट ठहरेंगे बेटा। शैतान बाप का सो रही है। नहीं वही सर के बेटा कितने मजे से बोल रहा था, मैं दरवाजा तोड़ के निकल आया। हाँ जी, तो हम कहाँ पहुंचे थे जी? हम पहुंचे यहाँ पर थे कि आपके पास एक क्या है जी, कार्ट्रिज। कार्ट्रिज में क्या है? सिलिका। सिलिका में क्या डाल दिया आपने? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसने सिलिका को एक्टिवेट भी किया और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो उसके मॉलिक्यूल उस सिलिका में फंस भी गए। इस तरीके से ये समझ लीजिए आपकी तरह की ऑर्गेनिक लेयर बन गई, जिसको मैंने कहा एक खास अलग से लेयर तो नहीं है लेकिन सॉलिड के अंदर ही आपका ऑर्गेनिक लिक्विड है। अब क्या करेंगे? अब आप डालेंगे अपना इल्यूएंट जिसमें इम्प्योरिटी है और जिसमें वो चीज है जो आपके मतलब की है, आपका एनालाइट है जिसको आपने अलहदा करना है। जब आप इसमें से गुजारेंगे तो उस एनालाइट का एक पोर्शन है जिसको हाइड्रोफोबिक कहा है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो असल में अटैच हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब वो गुजरेगा तो हमारे एनालाइट का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो सिलिका के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में हल हो जाएगा, या कह लें साथ जुड़ जाएगा। वो तो जुड़ गया, लेकिन जो पानी है वो चूंकि ऑर्गेनिक से ताल्लुक नहीं रखता लेयर से, या हमारी इंप्योरिटीज ऑर्गेनिक नहीं है, वो उसके अंदर से बआसानी गुजर जाएंगी। अब अंदर क्या रह गया? कार्ट्रिज में भाई सिलिका है, उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और उसके अंदर हमारा वो एनालाइट है जिसको हमने अब अलहदा कर लिया है। अब अगली टेक्निक क्या होनी चाहिए? अब अगली टेक्निक ये होनी चाहिए कि वो जो ताल्लुक बन गया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हमारे एनालाइट का, वो तोड़ना है। बस वो जैसे टूटेगा तो फिर आप क्या करोगे, वो जब ऊपर से सरिंज दबाओगे, प्लंजर दबाओगे, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अलहदा होकर एनालाइट भी नीचे मिल जाएगा। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस अपनी चलते हैं क्या कहते हैं बुक की तरफ और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। देखें बुक में हम पहुंचे थे इस जगह पर, हाँ जी देखें यहां लिखा था कि जब हम इसको अलहदा करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा, हाँ जी द पाउडर्ड फेज इज जनरली प्लेस्ड इन अ स्मॉल कार्ट्रिज। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। द पाउडर्ड फेज इज जनरली प्लेस्ड इन अ स्मॉल कार्ट्रिज सिमिलर टू अ प्लास्टिक सिरिंज, ये जिस तरह मैंने आपसे कहा एक सिरिंज की तरह होती है। सैंपल इज प्लेस्ड इन अ कार्ट्रिज एंड फोर्स थ्रू मींस ऑफ अ प्लंजर। प्लंजर का मतलब है वो जो पीछे से आपने दबाया था सिरिंज के, वो प्लंजर है जिसको मैंने बोला भी था। इसको पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं और सम टाइम क्या होता है वैक्यूम का इस्तेमाल भी करते हैं। मैं यहाँ पर दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। जो हमारे पास आमतौर पर लैब में इस्तेमाल होता है बेटा वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। इसमें कुछ यूं होता है कि आप जो ऊपर से जोर लगाते हैं और नीचे से सिरिंज के अंदर से ड्रॉप वाइज सॉल्वेंट निकल जाता है वो आपको कहता है पॉजिटिव प्रेशर। लेकिन अगर आप नीचे से क्या करें निकालने की कोशिश करें, अगर आप नीचे से खींचें मतलब वैक्यूम के थ्रू खींचें तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। दोबारा समझ लीजिए, अगर ऊपर से आपके पास कोई चीज आ रही है
और दबाकर प्रेशर के थ्रू आप ड्रॉप वाइज निकाल रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है अपने इस डायग्राम के अंदर जो आपके सामने बनी हुई भी है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है। अगर कोई नीचे से ही खींचना शुरू कर दे थ्रू वैक्यूम तो ये नेगेटिव प्रेशर होता है। तो ये आपके पास जो मर्जी प्रेशर हो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं, उसी तरह से काम चलता है। तो आगे लिखता है, और बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छी तरह घुमाकर, ये हमारे पास लैब में इस्तेमाल होने वाली और भी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, बहरहाल वो फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। ट्रेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, अब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। आगे लिखता है प्री कंसंट्रेटेड ऑन द कॉलम एंड सेपरेटेड अवे फ्रॉम द सैंपल मैट्रिक्स। सैंपल मैट्रिक्स कहते हैं उन सब चीजों को जो आपके पास यहाँ पे हैं, यानी फिलहाल अभी आप दो चीजों को समझ लें जो मैंने समझा दी, वो ये है कि जो इम्प्योरिटी है, एक्वस कुछ पार्ट है, और जो हमारा एनालाइट है, इन सबको मिलाकर आप बोलेंगे मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमने एक्चुअली सेपरेट करना है और इसमें से जो हमारी मतलब की चीज है उसको अलहदा करनी है। कहते हैं देन दे कैन बी इल्यूटेड, मतलब है अलहदा करने का अमल यहाँ पर, इल्यूएशन, इल्यूटेड, ठीक है, ये मतलब वर्ब की फॉर्म है, इल्यूटेड यानी हमने अपने इल्यूएंट को इल्यूटेड किया, इल्यूएशन के प्रोसेस से, या आप कह लीजिए हमने हमारे सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट किया, ये मतलब है इसका, विद अ सॉल्वेंट सच एज मैथनल एंड फाइनली एनालाइज। वो जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है वो फिलहाल यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है मैथनल की। फॉर एग्जाम्पल बाय क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में भी ऐसा किया जाता है। अब हमारे पास एक सॉल्यूट है, वो अलहदा किया जा सकता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी और क्रोमेटोग्राफी में भी। वो जो हमारे पास सॉल्यूट है उसकी इंटरेक्शन एक सॉल्वेंट के साथ है, वो सॉल्वेंट मिसाल के तौर मैथनॉल है, तो वो कहते हैं मैथनॉल को इस्तेमाल कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी में भी और साथ साथ इधर भी इस्तेमाल कर सकते हो इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी। बहरहाल ये कुछ रेफरेंसेस भी साथ चल रहे हैं, चैप्टर 19-21 अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लें हल्का हल्का सा मुख्य जगहों पर जहाँ रेलिवेंट पार्ट है तो आपको कुछ क्लियरेंस आ जाएगी। मैं फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ सादा तरीके से काम चले। दे मे बी फर्दर कंसंट्रेटेड प्रायर टू द एनालिसिस बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। दे मे बी फर्दर कंसंट्रेट करते हैं मजीद सॉल्यूट को गाढ़ा करेंगे, या कह लीजिए उसको मजीद ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उसकी मिकदार को बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रायर कहते हैं पहले, टू एनालाइज बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को उड़ाने से पहले या अलहदा करने से पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूट को मजीद कंसंट्रेट करेंगे। ये इसलिए करेंगे, अगर आपको सॉल्यूट की, ये इसमें कैसे कर सकते हैं, आप दोबारा दोबारा प्लंजर को चलाएंगे, मतलब दोबारा दोबारा से ऊपर से सिरिंज को दबाएंगे, नीचे से आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलता जाएगा। जितना ज्यादा आपके पास ये रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस होंगी उतना ज्यादा आपके पास कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं एनालाइट होगा, बाद में जो उसमें सॉल्वेंट है वो आप उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये फिलहाल एक छोटी सी बात थी, यहाँ पर मैंने इसको ये ना कुछ लिखा है कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, लेकिन जो मैंने आपको पहले सिखाया है वो थोड़ा आसान करके सिखाया। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी क्या कहते हैं लिंक शेयर करूंगा साथ, वो आप देखिएगा तो आपको उसमें से काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया गया है। लिखता है दे मे बी फर्दर कंसंट्रेट प्रायर टू एनालिसिस बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। ये हमारे पास तकरीबन मीटिंग टाइम एंड होने वाला है, मैं थोड़ा सा इसको जरा क्विकली लेके चलता हूँ क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है। द नेचर ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग फेज पर्टिकुलरली द टाइप ऑफ द बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप कैन बी वेरी टू अलाउ एक्सट्रैक्शन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड illustrates bonded phases based on the van der Waal forces hydrogen bonding। ये थोड़ी सी बात अहम है, ये मैंने असल में कर तो दिया है, समझा दिया है, लेकिन बुक की वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है sometimes, तो कुछ को मुश्किल लगती है। वो कहते हैं वो जो हम अपने सॉल्वेंट को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो अपने सॉल्यूट के साथ जो भी यहाँ वो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक है जोड़ेंगे, उनके जोड़ने के लिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बेसिकली थ्री टाइप्स की हो सकती हैं, जो वो वंडरवॉल हो सकती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है जिसमें कुछ चार्जेस का मामला आ जाए, ठीक है। बाकी वंडरवॉल नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान फोर्सेज होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन जो एक मॉलिक्यूल का हो और वो बॉन्डिंग करता है दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ये बच्चों वाली बातें हैं, बहरहाल ये आपको आनी चाहिए, ये छोटी छोटी क्लासेस में लिखी हुई है। When silica particle are bonded, अब वो बात दोबारा थोड़ा आगे लेके चल रहा है, यहाँ आप कुछ चीजें चाहो तो मुख्तसर कर सकते हो, ये आपकी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट लिखता ही है
कि फॉर एग्जांपल व्हेन सिलिका पार्टिकल आर बॉन्डेड विद अ हाइड्रोफोबिक फेस दे बिकम वाटरप्रूफ, यानी जो चीज हमारे सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट की जुड़ जाएगी अब वो पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगी. दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय पासिंग मेथनॉल, आपको मेथनॉल गुजारना पड़ेगा और सिमिलर सॉल्वेंट या और दूसरे सॉल्वेंट थ्रू द सॉर्बेंट बेड. ये जो हमने सिलिका के अंदर सिलिका लिया है उसके अंदर सॉल्वेंट लिया है और उसके अंदर हमारा एनालाइट भी आ गया है, कहता है ये सारा सॉर्बेंट बन गया, एक बेड बन गया. इसके अंदर से वो प्लंजर जो है ऊपर चलाएंगे तो डिफरेंट मटेरियल्स को गुजारना पड़ेगा, जैसे वो मेथनॉल को गुजार सकते हैं वॉश करने के लिए, सम टाइम मेथनॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो इससे जब हम बार बार चलाएंगे तो पहले हमारी जैसे मैंने कहा इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएंगी और आखिर के अंदर हम क्या करेंगे कि ऐसा सब्सटेंस के जरिए से हमारे सॉल्वेंट को अलग करेंगे जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होगी. इस तरह वो सिलिका को छोड़कर और सॉल्वेंट के अंदर हल होकर नीचे आ जाएगा जिसको हम अलग कर सकते हैं. बहरहाल ये भी एक टेक्निक है, इसमें काफी वैरायटीज हैं, बहरहाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. फिर लिखता है द सॉल्वेंट पेनिट्रेट्स इनटू द बॉन्डेड लेयर्स एंड परमिट्स वाटर मॉलिक्यूल. बेटा इसको थोड़ा सा जरा आप खुद थोड़ा पढ़िएगा, मैं इसको जरा मुख्तसर कर रहा हूँ, आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं. जो अब लास्ट टॉपिक्स हैं, लास्ट हिस्सा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपके जहन में रहे. देखिए भाई, ये है जी हमारे पास सिलिका जो हमने जिक्र किया, मैं फिलहाल यहां पर दिखा देता हूं. ये देखें जी, ये हमारे पास है जी वो सिलिका जिसको हमें बार बार कह रहा हूं, जो हमारे किस में पड़ा हुआ है, कार्ट्रिज में. अच्छा, फिर इसके बाद वो जो हमने C10 पढ़ा था, या हम कह रहे हैं कार्बन की लंबी चेन पड़ी थी, वो लंबी जो चेन है आपके पास वो है जी यहाँ पर, जैसे कि मैं इसे दिखा रहा हूँ. ये देखें, ये एक चेन है, इस तरह ये एक चेन है, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, सिलिका के साथ. अच्छा, अब बात करते हैं हमारे सॉल्वेंट की, वो सॉल्वेंट कहाँ पर है, सॉरी अपना वो ये सॉल्वेंट की थी कार्बन. जो हमारा सॉल्यूट है या जो हमारा एनालाइट है जिसको हमने अलहदा करना है, वो एक्चुअली हमारे पास जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं. और अब हमारे सॉल्यूट की या हमारे एनालाइट की क्या है, एक इंटरेक्शन है, किसके साथ है भाई, वो है वही कार्बन की लंबी चेन के साथ बाय द वंडरवाल फोर्सेस, वो आपको यहां पर दिख रही हैं, ठीक है, और यहां पर दिख रही हैं. तो आप ये देख रहे हो कि ये जो सारा का सारा हिस्सा बन गया, जो मैंने अभी एक आपको दिखाने की कोशिश की है, ये सारा का सारा एक सॉर्बेंट है, एक बेड है, जिसके अंदर से आप क्या गुजारोगे, मुख्तलिफ क्या कहते हैं मेथनॉल जैसे कहा गया, या वॉश करने के लिए सब्सटेंसेस गुजारेंगे. अच्छा, फिर इसके बाद ये देखें, ये कुछ मजीद इसके अंदर चेंजिंग है, और बिल आखिर क्या होगा कि आपको कुछ डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग्स दिखाई हैं. ये बॉन्डिंग अलग तरीके की है, C8 मॉलिक्यूल के साथ वंडरवॉल, ठीक है. बेटा टाइम थोड़ा सा एंड हो गया है, लेकिन अगर आप घर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात. ये आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, और ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, मतलब सिमिलर फॉर्मूला है लेकिन क्या है, बॉन्डिंग डिफरेंट काइंड की है आपके पास, ठीक है जी. ये आपके पास वो जो मैंने आपको टेक्निक समझाई है वो सारे की सारी है, कि पहले आपने क्या कंडीशनिंग करनी है, यानी पहले आपने एक्टिवेट करना है. फिर देखें इसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस हैं बेटा, जैसे मिसाल के तौर पर डॉट है और ट्राइंगल है, ये कुछ इम्प्योरिटीज हैं और कुछ हमारे काम की चीजें हैं. तो जब आप इसे चलाओगे तो कुछ चीजें